नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव नाउ न्यूज में। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम सत्ता का महासंग्राम। मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव 6 मई को है, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। एनडीए ने अजय निषाद को उतारा है, वहीं महागठबंधन की तरफ से खड़े हैं राजभूषण चौधरी निषाद। कहीं ना कहीं समाज में कुछ लोग दोनों प्रत्याशियों से नाखुश भी हैं। समाज के बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की बैठक के बाद एक जाना माना नाम सामने आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आशुतोष शाही की, जो निर्दलीय मैदान में उतरे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है उन्होंने। आज हमारे साथ आशुतोष शाही खुद हैं, उनसे बात करेंगे कि कैसी प्लानिंग है और कैसी तैयारी है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कि ग्राउंड लेवल पे कैसी तैयारी चल रही है अपनी? देखिए, हमारी तैयारी ग्राउंड लेवल पे रही है। जैसे आपने अभी कहा कि एनडीए ने अजय निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है, महागठबंधन ने राजभूषण चौधरी निषाद जी को मैदान में उतारा है, तो मुझे ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं, जो जनता है, जो उन लोगों ने मुझे मैदान में उतारा है। तो तैयारी पहले से है और हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, क्योंकि हम लोक उम्मीदवार हैं, लोगों के द्वारा हमको उतारा गया है, हमारी जीत सुनिश्चित है। मुख्य मुद्दे क्या होंगे आपके? सारे मुद्दे तो बचे हुए हैं। 25-30 वर्षों में कोई मुद्दा उठा क्या मुजफ्फरपुर में? कोई विकास की बात की गई क्या? जो मुजफ्फरपुर का धरोहर था, IDPL, भारत बैगन, ये सब ठप हो गया, बिकने के कगार पर आ गया। विकास की बात कीजिए तो आज भी चलिए हमारे तरफ और आई कटरा में, आज भी लोग चचरी का पुल अपने पैसे से बना के चलने के लिए मजबूर हैं। विकास से कोसों दूर है आज हमारा वो सुदूर क्षेत्र, तो विकास तो हुई ही नहीं। तो शुरू से ग्राउंड लेवल पर एक एक चीज़ को पुनः स्थापित करना है, एक एक चीज़ शुरुआत करनी है, एक नए मुजफ्फरपुर के निर्माण के लिए। जातिगत समीकरण कैसे तोड़ेंगे? देखिए, जाति पाति तो बेकार की बात है। हमारे साथ हर जाति के, हर धर्म के, हर वर्ग के लोग हैं। ये अलग बात है कि आज महागठबंधन और NDA दोनों निषाद जाति के दोनों प्रत्याशी को मैदान में उतारे हैं। हमारे साथ निषाद जाति के भी बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं जो उन दोनों से नाखुश हैं। वो परिवारवाद और मतलब दलों की जो मनमानी है, दादागिरी है दल की, उससे नाखुश हैं, और उन लोगों का भी समर्थन हमको प्राप्त है जो दिख जाएगा। क्या कहना चाहेंगे, अगर अपनी बात जनता के सामने कहना चाहें, कि आशुतोष शाही कुछ कहना चाहते हैं अपनी बात जनता को? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि लोग द्वंद्व में न रहें। बहुत सारे लोग कहेंगे राष्ट्रवाद की बात, मोदी जी को जिताना है, इसको हराना है, उसको, हमको इस बात से मतलब नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहे थे कि जब मन में और दिल में द्वंद्व हो तो दिल की बात माननी चाहिए, और दिल से ये दोनों कैंडिडेट, दोनों में से किसी का एक्सेप्टेंस दिल से नहीं है लोगों के बीच, तो लोग दिल की बात सुने, मन को रहने दें। आशुतोष शाही अगर जीत जाते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहला जो प्रेफरेंस होगा उनका, बेरोजगारी भी बहुत है, हर चीज़ कम है, क्या करेंगे? मेरी प्राथमिकता बेरोजगारी ही है, और युवाओं में बेरोजगारी के कारण बहुत तरह की मतलब हमारे समाज में कुव्यवस्था और कुरीति फैली हुई है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया, आज तक कोई बोलने को तैयार नहीं हुआ। युवाओं को ठगा गया है, बरगलाया गया है, उनको इलेक्शन के समय उनका यूज किया जाता है, फिर बाद में छोड़ दिया जाता है। तो भटके हुए युवाओं को रास्ते पर लाना, मुख्य धारा से जोड़ना, और युवाओं को रोजगार में लगा के उनके जीवन को खुशहाल बनाना प्रथम प्राथमिकता होगी हमारी। बंद पड़े फैक्ट्रियों को शुरू करवाने के लिए कवायद करेंगे? उसकी तो कवायद करेंगे ही, हम आपको जानकारी हो जाएगी। एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, एक बहुत बड़ी मतलब विश्व स्तर की नामचीन कंपनी को हम यहाँ लगवाने जा रहे हैं। 3,000 लोगों को उसमें सीधा रोजगार मिलना है, कम से कम 10,000 लोग इनडायरेक्ट रोजगार पाएंगे उसमें। तो जब हम नया ला रहे हैं और अभी हम कुछ भी नहीं है, एक से मैंने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो उतने लोगों के लिए व्यवस्था की सोच रहे हैं। तो जब जनता हमको चुन के भेजेगी, जब हम संसद में जाएंगे,
तो बंद पड़े उनको तो शुरू करें, और भी नए नए उद्योग लाने का हम भरसक प्रयास करेंगे, लाएंगे, प्रयास नहीं करेंगे लाएंगे। चलते चलते एक सवाल, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों का सहयोग कितना मिल रहा है, समर्थन कितना मिल रहा है? भरपूर समर्थन मिल रहा है, और लोगों का समर्थन सहयोग ही हमको आगे बढ़ाया है। हम अपने मन से नहीं आए हैं उम्मीदवारी देने, लोगों के कहने से हम उम्मीदवारी दे रहे हैं। देखा आपने, हम बात कर रहे थे आशुतोष शाही से, निर्दलीय उम्मीदवार मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से खड़े हो रहे हैं। ऊंट किस तरफ करवट बदल लेगा ये तो जनता जनार्दन पर ही टिका हुआ है, जनता ही फैसला करेगी कि मुजफ्फरपुर का अगला सांसद होगा तो होगा कौन। सत्ता के महासंग्राम में आज बस इतना ही, फिर आपसे हम किसी और की मुलाकात करवाएंगे और सत्ता के संग्राम में एक बार फिर बैठेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसकी बनेगी सरकार, चुनाव की बात चाय के साथ, सिर्फ लाइव नाउ न्यूज़ पर।